हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है, और कुछ जो आप सामने देख रहे होंगे कि रॉ अगरबत्ती आपको दिख रही होंगी, और जो इस बैग में रॉ अगरबत्ती पैक हो चुके हैं और कुछ जो है खुले में रखे हुए हैं। मतलब आप जो सारे बैग्स देख रहे हैं उसमें रॉ अगरबत्ती जो है भरी हुई है। जैसा कि आप जान ही रहे होंगे कि कुछ जो है महीनों से लॉकडाउन जो है लगा हुआ है, और जो कि ये 2 महीने से जो है मैंने पैक करके रख लिया था, जिसके कारण और जो है मार्केट बंद होने के कारण कुछ जो है माल का सप्लाई नहीं हो पाया था और जो है ये स्टॉक में रह गया था। तो इसमें रखे रखे कुछ प्रॉब्लम्स जो है आ चुकी है, जिसके बारे में मैं आपको जो है बताने वाला हूँ, और कुछ ऐसी बातें जो आपको रॉ अगरबत्ती में रखनी चाहिए, और आपकी रॉ अगरबत्ती की क्वालिटी, क्वांटिटीज़, और कुछ ऐसी बातों के बारे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी हम जो है बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए, और जो प्रॉब्लम्स आई है उसको मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें प्रॉब्लम जो है क्या आया है। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं रॉ अगरबत्ती की क्वालिटी के बारे में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ये रॉ अगरबत्ती जो है रखी हुई है, और सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो क्वालिटीज़ होती हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वांटिटी। मतलब आपका जो काउंटिंग है रॉ अगरबत्ती में वो 950 से ऊपर होनी ही चाहिए। और सेकंड चीज़ आप ध्यान देंगे कि जो रॉ अगरबत्ती की साइज़ेज़ होती हैं, मतलब जैसा कि आप देख रहे होंगे जो एक सिमिलर साइज़ में है, मतलब आप देख रहे होंगे कि ये प्रॉपर अपने बराबर साइज़ में जो है रखे हुए हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर अपने साइज़ में है, तो ये भी आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि ये कुछ सेटिंग्स जो होती है मशीन की जो ख़राब होने के कारण ये जो है अप डाउन होने लग जाता है, जो कि परफ्यूमिंग करने के बाद बहुत ही ख़राब जो है दिखता है। तो उसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपकी जो रॉ अगरबत्ती की रेट है वो गिरने लग जाएंगे क्वालिटी के नाम से। और उसके बाद देखिए कि जो सामने का हिस्सा होता है, मतलब जो सामने का पोजीशन होता है वो एकदम प्रॉपर साइजेज में होनी चाहिए। कभी भी टूटा हुआ या फिर क्रेक हुआ या फिर जो सामने की नोक होती है वो टूटी हुई होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक क्वालिटी का सबसे बड़ा कारण होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये पूरी सीधी लाइन में जो है स्टिक है, मतलब कहीं भी आपको बैंड नज़र नहीं आएगी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी अपनी सीधी साइज़ में ये रॉ अगरबत्ती है, तो ये भी एक क्वालिटी का कारण है, इसे भी आप ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें काउंटिंग को आपको ध्यान में रखना ही है। और उसके बाद जो है इसमें डिपिंग रेशियो है, वो डिपिंग रेशियो भी आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम 250 से लेके 300 के बीच में जो आपकी रॉ अगरबत्ती की डिपिंग रेशियो होनी चाहिए। और इसे आप डिपिंग रेशियो जब भी सेल करें रॉ अगरबत्ती, तो उसके पहले आप कुछ सैंपल के साथ आप निकाल के ज़रूर रखें, ताकि जो जिसको आप देने वाले हो उनको क्वालिटीज़ का पता लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है रॉ अगरबत्ती ख़रीदें, क्योंकि जब तक आप क्वालिटी नहीं दोगे तब तक आपकी रॉ अगरबत्ती की डिमांड नहीं रहेगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है क्वालिटी, उसको आप ध्यान में ज़रूर रखें। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सारे बैग्स में जो है रॉ अगरबत्ती रखी हुई है। मैं कुछ बैग आपको खोल के दिखाता हूँ, सब बैग में आपको एक ही तरह की क्वालिटी जो है नज़र आएंगी। जैसा कि आप इस बैग में देखिए, तो इसमें भी आपको प्रॉपर जो है क्वालिटी देखेंगी। जैसा कि ये रॉ अगरबत्ती मैंने इस बैग से निकाला है, इसमें भी प्रॉपर जो है उसी क्वालिटी में रॉ अगरबत्ती रखी हुई है, प्रॉपर साइज़ है इनका, और कोई भी डिफेक्टनेस आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस तरीके की जो है आपकी रॉ अगरबत्ती की क्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इसमें जो एक प्रॉब्लम्स आई हुई थी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कुछ बैग मैंने खोल के रखे हैं और कुछ बैग जो है मेरी पैकिंग की हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से जो है लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके कारण जो है ये हमारी रॉ अगरबत्ती स्टॉक में थी, और जो है मैंने 2 महीने पहले से इसे पैकिंग करके रख लिया था। तो हुआ क्या था कि इसमें जो पैकिंग्स है वो मैंने 30 kg के अंदर की हुई थी, और ये मिनिमम 2 महीने से पैक में थी। और उसके बाद मैंने जब इसका वेट किया तो वेट जो है लॉस हो गया था। मतलब कि जैसा कि 30 kg का था वेट जो है मैंने डाला हुआ था, उसके बाद 2 महीने के बाद जो मैंने वेट किया वो मेरा 28 kg 29 kg के आसपास आ गया है।
तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी जो है जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी जो है गर्मी का मौसम चल ही रहा है। अभी गर्मी के नाम से क्या होता है, रॉ अगरबत्ती जो है अच्छे ड्राई होने के बाद भी, मतलब अच्छे से सूखने के बाद भी अगर हम इसे स्टॉक में 2 से 3 महीने रख दें तो इसका जो है वेट लॉस होने लग जाता है। मतलब देखिए 2 महीने में मेरा 1 से 1.5 केजी या फिर 2 केजी जो है पर बैग में लॉस हो चुका है। तो इसका कारण ये होता है कि जो है ये रॉ अगरबत्ती मैंने खुले में रख दिया था, मतलब ये जो मेरा शेड है तो इसी टाइप के खुले जगह में मैंने रख दिया था, जिसकी वजह से क्या है गर्म हवाएं और धूप पड़ने के कारण ये जो है ड्राई हो चुकी है, मतलब सूखने के बाद भी और ज़्यादा सूख चुकी है, जिसकी वजह से क्या है वेट जो है इसका कम हो गया और जो है बैग्स में 2 से 3 केजी जो है लॉस हो गया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप स्टॉक में रखें रॉ अगरबत्ती तो उसे किसी रूम के अंदर रखें तो ही आपका ये जो है बचेगा, नहीं तो फिर आपका हर बैग में आपका 2 से 3 केजी जो है लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने कुछ अगरबत्ती जो है खोल के उसमें दोबारा से रॉ अगरबत्ती फिर से डाली हुई है और कुछ जो है मेरी सामने जो देख रहे हो आप वो उसमें मेरा वेट जो है लॉस नहीं हुआ है, उसमें प्रॉपर जो है केजी में है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी चीज़ हम बात करते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे मैंने बैग्स में पैक किए हुए हैं और अभी तो जो है कार्टून्स में भी आने लग चुके हैं रॉ अगरबत्ती। तो चाहे तो अगर आप क्वालिटी और अच्छी उसको बनाने के लिए कार्टून में जो है मिनिमम 25 केजी के अंदर जो है पैकिंग आती है और जो बैग में है वो 30 केजी का भी आता है और 35 केजी और 40 केजी के अंदर भी होता है। तो चाहो तो आप बैग में भी पैक कर सकते हो और बैग जो है आपकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जो है हमारी बैग लो क्वालिटी की अगर होगी तो वो फटने लग जाएगी और जो है आप जिसको भी देंगे, आप जहाँ भी माल सेल करते होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ही है। और दोनों तरीका जो है सही है, आप कार्टून्स में भी पैक कर सकते हैं और बैग में भी डाल सकते हैं। बात यह है कि कार्टून का पैकिंग थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है और बैग का जो है सस्ता पड़ जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि जो भी बैग आप यूज़ करोगे, जैसा कि मैंने बैग आप देख रहे होंगे कि पूरे एक ही कलर में जो है बैग जो है पैकिंग की हुई है और बैग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी में जो है बैग मैंने पैकिंग करके रखा हुआ है। और कुछ जो मेरे पास बैग नहीं थे तो मैंने स्टिक का बैग जो है उसमें पैकिंग किया हुआ था, तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती स्टिक की, क्योंकि ये स्टिक जो पैक होके आती है वो भी थोड़ा सा ख़राबी हो जाता है क्योंकि लंबे टाइम से ये ट्रांसपोर्टेशन से होके आती है। और सेकंड चीज़ आप देखेंगे कि इसमें जो है चूहा खा चुका है स्टिक, तो इन सब चीज़ों से आप बचिए, इसको एक सेफ़ जगह में आपको रखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिज़नेस से रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ जो कि आपके अगरबत्ती बिज़नेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि रॉ अगरबत्ती में आपको कुछ ज़रूरी नॉलेज जो है आपको रखनी ही है, जैसा कि मैंने कुछ प्रॉब्लम जो फेस किया उसको मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि रॉ अगरबत्ती बनाने के लिए काफ़ी जो है मेहनत और हार्डवर्क हमें देना होता है, तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।